दुनिया में होने वाली ऐसी यूनिक ट्रेडिशंस जिनको आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर रस्म व रिवाज आजकल की जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रस्में जो कि पास्ट में प्रैक्टिस की जाती थी, अपने इन ह्यूमन की वजह से वो अब सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा बन के रह गई हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक लोग फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि ये वही रस्म व रिवाज है जिनको अपने माजी के बहुत करीब ले जाते हुए हम देखते हैं, और आज हम उन्हीं में से चंद ओल्ड ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं जो कि थोड़ी अजीब हैं, मगर ये आज भी हो रही हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अमेरिका के बच्चों के दांत जब टूटते थे तो वो अपने बच्चों को ये कहानी सुनाया करते थे कि ये टूटा हुआ दांत अपने तकिए के नीचे रख दो, उस वक्त तक के जब तक इस दांत को कोई परी आकर ना ले जाए। इसके बरक्स यूनान के लोगों की रिवायत कुछ मुख्तलिफ है। वहां पर जब किसी बच्चे का दांत निकल जाता है तो अपने दांत अपने वालदैन के साथ जाकर घर की छत पर रख आते हैं। उनका ये भी माना जाता है कि छोटे बच्चे का टूटा हुआ दांत छत पर रखने से खुशी की अलामत लाता है। इंडोनेशिया में जब किसी शादीशुदा जोड़े की शादी होती है तो शादी होने के फौरन बाद ही उस जोड़े को इंडोनेशिया के सख्त असूल पर अमल करना निहायत जरूरी हो जाता है। इस असूल के बारे में कहा जाता है कि उस शादीशुदा जोड़े को पूरे 3 दिन तक टॉयलेट जाने की इजाजत नहीं दी जाती। टाइडोंग, ये इंडोनेशिया का ये एक असूल है जिन पर इनको अमल करना निहायत जरूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि इन 3 दिनों में टॉयलेट का इस्तेमाल ना करने से इस जोड़े के लिए आने वाली जिंदगी इनके लिए खुशी का पैगाम लाती है। वो जोड़ा अपनी जिंदगी में खुशकिस्मती लाने के लिए ये 3 दिन तक के सख्त उसूल पर अमल पैरा होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ताकि उनके लिए आने वाली जिंदगी खुशगवार हो सके। और एक रिवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस उसूल को तोड़ते हैं उनकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती, और उनकी जिंदगी की जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो मुख्तसर होकर रह जाती है। इन 3 दिनों के दौरान घर के दूसरे अफराद इस जोड़े पर अमल रखने के लिए, यानी उन पर नजर रखी जाती है कि कहीं इन्हें कोई जोड़ा धोखा ना दे दे। लिहाजा घर के अफराद इस जोड़े को मुनासिब मिकदार में खाना और पानी देते हैं, और मुनासिब मिकदार में खाना देने का मकसद ये है कि उन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही पेश ना आए, और नजर रखने का मकसद ये है कि ये जोड़ा इस उसूल को ना तोड़ सके। डेनमार्क के लोग गैर शादीशुदा अफराद को दारचीनी के साथ निहारते हैं। एक रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि डेनमार्क में रहते हुए अगर कोई शख्स 25 साल का हो गया है और अभी तक वो गैर शादीशुदा और गवारा हो तो उन लोगों के लिए ये लम्हा खुशगवार साबित हो सकता है। कहा जाता है कि इनके दोस्त इन्हें पानी से नहलाते हैं और इन पर दार चीनी फेंक देते हैं, क्योंकि पानी दार चीनी को चिपकने में मदद देता है। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि सिंगल लोगों के लिए एक सजा साबित होता है ये अमल, क्योंकि कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ ऐसी गड़बड़ करने से लुत्फंदोज होते हैं। और ये रिवायत कई 100 साल पहले शुरू हो चुकी थी, जिस वक्त मसाला बेचने वाले अफराद मुल्क मुल्क का सफर करते थे और मसाला जार फरोख करने की वजह से वो लोग शादी नहीं कर पाते थे। फलपाइन के लोग अपने बुजुर्गों के सामने एहतरामन झुका करते थे। इस रस्म को मनु या पगमानू कहा जाता है। ये रस्म कई अरसा से नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है।
जब कोई बच्चा या कोई छोटा किसी बड़े बूढ़े को झुककर सलाम करता है और फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े अपनी पेशानी के पास ले आता है, तो इस रस्म के दौरान छोटा शख्स अमूमन उस बुजुर्ग शख्स से अपने लिए दुआएं मांगने का तलबगार होता है कि ये बुजुर्ग शख्स उसे दुआएं दे। एक रिवायत ये भी है कि ये रस्म और रिवाज को कोई इतना इस्तेमाल नहीं करता। रस्म वो लोग इस्तेमाल किया करते हैं जिनको बचपन में उनके बड़ों ने अपने बुजुर्गों के सामने झुककर सलाम करना बताया हो। कहा जाता है कि साल के आखिर में नवंबर के आखिरी हफ्ते को थाईलैंड के लोग एक बड़े पैमाने पर एक बुफे का इंतजाम करते हैं। इस बुफे को सिर्फ इलाके के लोग ही एंजॉय कर सकते हैं। इस तकरीब की रिवायत के मुताबिक तमाम तर लोगों को बंदरों के मलबूसात जेबतन करवाए जाते हैं। तकरीब के आगाज पर लोगों को परफॉर्मेंस भी दी जाती है और उन लोगों को परफॉर्मेंस करने के बाद बंदरों को लाया जाता है। स्टेज पर इस बुफे में मेजों पर कई किस्म के फल और सब्जियां सजाई जाती हैं ताकि ये बंदर जो सिर्फ अपनी मर्जी से खा पी सके, क्योंकि थाईलैंड के लोग बंदरों का बहुत एहतराम करते हैं। इनके मुताबिक ये जानवर इनके लिए अच्छी किस्मत लाते हैं। और इस रस्म का आगाज 2000 साल पहले हो चुका था जो आज भी थाईलैंड में कायम है।